हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने घर पर ग्लू यानी कि गोंद बनाने वाले हैं, जो कि फेविक्विक से 10 गुना तेज होगी। साथ में इसे बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो चीजें आपको अपने घर पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। और फेविक्विक से सिर्फ गिनी चुनी चीजें ही चिपकाई जा सकती है, पर आज जो हम गोंद बनाने वाले है उससे आप किसी भी चीज को आराम से चिपका सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को इतना सा भी स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए प्लीज इस वीडियो को यहां से लेकर पूरा लास्ट तक बिना स्किप किए देखते रहिए। तो ज्यादा बकवास ना किए, चलिए शुरू करते हैं। डाउट नट गाइज, अगर आप भी हैं मेरी तरह स्टूडेंट्स और अगर आप किसी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, फोटो को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए चल रही है लाइव क्लासेस, यानी कि अभी पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाइए और आप भी डाउट नट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस ग्लू को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक छोटे से कंटेनर के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल ले लेंगे। और हाँ, इस पेट्रोल को मैंने अपने बाइक से निकाला था, पर आप इसे पेट्रोल पंप से खरीद सकते हैं। और अगर आपको ये ना मिले तो आप इसकी जगह पर थिनर को भी यूज में ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। और राइट गाइज, इसके बाद हम सिंपली इस पेट्रोल के अंदर छोटे छोटे थर्मोकोल यानी कि फोम शीट्स के पीसेस को डाल देंगे, कुछ इस तरीके से। और आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पेट्रोल में अपने फोम शीट्स को डाल रहा हूँ तो ये जो फोम है वो इसके अंदर पूरी तरह से डिजॉल्व हो रहा है, जो कि दिखने में सच में काफी कमाल का दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसके अंदर थोड़े और थर्मोकोल के पीसेस को डालते हैं। तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें आगे भी ऐसे ही मजेदार वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन मिल सके। साथ में अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करके रखिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने काफी सारा थर्माकोल इस पेट्रोल के अंदर डिजॉल्व कर लिया है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली से एक चम्मच की सहायता से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, जब तक ये सॉल्यूशन पूरी तरह से गाढ़ा न होकर गोंद में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तब तक आप मुझे अपने दिमाग में भरे एक्सपेरिमेंटल आइडियाज को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सॉल्यूशन को जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। ऑलराइट गाइज, आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारा जो गोंद है वो यहाँ पर कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। और सच बोल रहा हूँ यार, जो ग्लू है वो फेविक्विक से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। बस इसे आप जब भी कोई चीज चिपकाते हैं तो वो चिपकने में थोड़ा सा टाइम लेती है, पर जब चिपकती है तो उसे अलग कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए, मैं आपको इस होममेड फेविक्विक की सहायता से इस कार्डबोर्ड के ऊपर अपने मेटल की डिब्बी और मैच बॉक्स को चिपका कर दिखा देता हूँ। साथ में मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया कि नॉर्मल फेविक्विक से आप प्लास्टिक, पेपर वगैरह वगैरह चीजों को चिपका सकते हैं, पर इस गोंद की मदद से आप मेटल, वुड, प्लास्टिक, पेपर और बहुत सारी चीजों को चिपकाया जा सकता है। तो है ना, काफी कमाल और आसान तरीका सुपर ग्लू को अपने घर पर ही बनाने का। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, लास्ट में मैं आपको इस ग्लू से चिपकाए गए चीजों को एक बार दिखाने वाला हूँ, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे।
हूँ।